तो दादा याली गाड़ी परस्यू कर रहे हैं स्विफ्ट, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया लागू दोस्तों, तुम्हारा आशीर्वाद से वेट का सफर का फल मीठा होता है। धन्यवाद। पुष्पा आप बता कैसे लागू थी कि यार बता। सुबह गड़ियो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बैकग्राउंड कहाँ पे हूँ तो ये है हमारे सुपरस्टार अपनी नई गाड़ी के साथ, चमचमाती गाड़ी के साथ। तो फाइनली अभी हमने आपका मारुति सुजुकी शोरूम में और आज हम फाइनली परस्यू कर रहे हैं। हम लेने बन चाहे सही बताओ हम लेने ऑल्टो आए, हम ऑल्टो देखने आए थे, ऑल्टो का मन था हमारा, लेकिन हमारा सबने मना भी किया सब, और हमें देखने में भी अच्छी लगी आपकी स्विफ्ट। तो दादा याली गाड़ी परस्यू कर रहे हैं स्विफ्ट, आप देख सकते हो, दिखाऊं मैं आपको। दादा छा गए, और ये हमारे रोहित भाई हैं, परस्यू कर रहे हैं, मतलब हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं हर चीज में। नहीं ऐसा नहीं है, घर वाली बात है, अपने भाई का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, दादा भी हेल्प करते हैं। कौन दादा भाई का? तो अरे अरे कोई नहीं है, वो तो चाहिए मुझे, बस एक चीज है 50% और 25-25 हमारा, 50% इनका योगदान है और 25-25 हमारा। ये बहुत बड़ी बात बोली जाने, लेकिन एक चीज ये बताऊं मैं आपको, मेरे को ज्यादा खुशी है क्योंकि दा धीरे धीरे करके अपने लिए चीजें जैसे जोड़ रहे हैं। अभी दा ने अपने लिए बाइक ली, आप कार ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बस लगना अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, पहाड़ी में बोल दिया एक बार यार। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, तुम्हारा आशीर्वाद छे और तुम्हारा आशीर्वाद तो सबका और सपोर्ट है, लेकिन मेहनत किसकी है? तुम्हारा बदौलत आल गाड़ी नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत सर, लेने आया था अल्टो, लेकिन मुझे मन था अल्टो का ही, अल्टो थोड़ा सा बोल रहे थे कि यार थोड़ा आपके लिए छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने ले रखी गाड़ी, बात चल रही है। तो अभी हम यहीं है, बने रहेगा, प्रोसेस चल रही है, जैसी प्रोसेस कम्प्लीट होगी आपको दिखाएंगे। रोहित भाई के होने का काफी फायदा हुआ है हमें, फ्यूचर में बहुत पता चल गया, हम फ्यूचर में बहुत सारी हेल्प करेंगे। अभी हमारे यहाँ भी एक सर है खड़े हुए, उन्होंने काफी फायदा दिलाया हमें, तो हम याद रखेंगे आपको सर। तो कैसे क्या क्या अच्छा लग रहा है, बस लगना अच्छा लग रहा है, चुप ले जा, नहीं यार की बोल रहे हो यार, अभी तो मैं याद ही नहीं आया मुझे यार, आज का जरूरत ये, आज का मतलब यही था। तो आज है करवा चौथ और दादा ने क्या गिफ्ट दे दिया भाभी को यार, दादा यार मजा आ गया यार। तुम अभी समझे तरक्की की सीढ़ियों में ना, मतलब अग्रसर हो चुके हैं, इसे शुरुआत है यार, ये उसकी वजह से तो हम उसके लिए तो ये भी कम है। कैसी बात कर रहा है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, सब बच्चों के नाम पे यार। दादा यार ये चीज तो यार बहुत खुशी, मतलब ये तो खुशी वाली बात है, जो आज का उपलक्ष्य में आपने गाड़ी दी है भाभी को। हाँ तो थोड़ी जरूरत, भाभी के लिए कुछ कह दो यार, भाभी देखती भी हैं ब्लॉग। थैंक यू पुष्पा, बहुत बहुत लव यू यार तुझे, और तेरी वजह से हूँ आज मैं, जो भी हूँ तो जानती है, तेरे लिए एक कार गिफ्ट है, कार भी कम है तेरे लिए, तो यार तेरे लिए जान जान भी जान हाजिर है, जो बहुत 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 बने रहेगा सब ब्लॉग में। तो अभी मिलते हैं आपसे, गाड़ी तो प्रिपेयर होने लग गई है, थोड़ी सी वो है क्या कहते हैं प्रोग्रेस चल रही है, कागज कार्रवाई वो खत्म होगी, उसका सीधा गाड़ी में। तो यार दगड़ियो ना बहुत खुशी की बात है, और आज ना मैं गाड़ी लेने आया, मैं लेने आया था सच बताऊँ तो अल्टो, क्योंकि अल्टो ना मेरे बजट में बैठती है, क्योंकि मैंने और भी बहुत काम करने हैं, और मुझे ना थोड़ा सा अल्टो से ऊपर चाहिए थी, तो हमें स्विफ्ट बहुत पसंद आई, और वो भाई ने दिलाए हमें, रोहित भाई ने, हमारे रोहित भाई हमारे गाँव के। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, आपका ही है, वैसे डिस्काउंट मिलना चाहिए, दिवाली ऑफर है, उतना नहीं मिला था, लेकिन ये भैया जैसे ही आए इन्होंने अपने मैनेजर साहब से काफी डिस्काउंट दिलवाया। क्यों दादा? अच्छा ओनर है ये, ओनर है ओके, क्या नाम है इनका? नितिन अगरवाल, नितिन अगरवाल जी नाम है। कहाँ के हो आप, कौन से पहाड़ के हो, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, और ये अल्मोड़ा? मेरा नाम दीपक है, दीपक पूरा दीपक सिंह खड़ायत प्रॉपर, मैं फल का बिलोंग करता हूँ, वैसे फल के हैं वो। जो गाड़ी हमें दिलवा रहे हैं, हमारे जो गाड़ी के पीछे लगे थे, हमने गाड़ी अभी हम ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव, मेरे पास गाड़ी आई है अभी वितारा ब्रिजा, जो नया मॉडल है आपकी 2022 का, आपकी वितारा ब्रिजा न्यू 2020, लेकिन हम इसको नहीं ले रहे। और हमारे साथ रोहित भाई इंदरदा, और हमारे जो हमें गाड़ी परस्यू करवा रहे हैं, हमारे जो हैं क्या नाम है, दीपक। तो चलो चलते हैं और गाड़ी दिखाते हैं आपको कैसी है। तो बताइए दीपक भाई, एक दो चीजें आई है, ग्रैंड विटारा और एक ब्रिजा करके जी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सर एक्चुअली होता ये था, पहले जो गाड़ी आती थी विटारा ब्रिजा आती थी, इंजन पुश बटन वगैरह हो गए, सेफ्टी फीचर्स के मामले में 6 एयरबैग्स दे रही है मारुति भी। इसमें सबसे तगड़ा फीचर सबसे है यार, ये जो इसकी स्क्रीन बाहर निकल रही है, ये पूरा डिजिटल, ये आपको ब्रिजा में ही मिल रहा है हेड अप डिस्प्ले। फिर अगर ग्रैंड विटारा में जाएंगे उसमें भी टॉप मॉडल में ही मिलेगा, एक्चुअली टॉप मॉडल में ही, ऐसे नहीं दिख रहा मुझे शीशे में, ऐसे दूर आगे मतलब बोनेट में दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि बोनेट में आ रहा है। जी जी बिल्कुल। इसमें और क्या क्या चीजें दिखती है इसकी स्क्रीन में? बाकी अगर टॉप मॉडल में देखेंगे तो वायरलेस चार्जर है, एडिशनल फीचर आपका टॉप ही है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इस स्क्रीन में और क्या क्या दिखेगा? इस स्क्रीन में आपको जो आपकी MID डिस्प्ले है नीचे पे, जो भी चीजें दिख रही है वो सभी चीजें आपको फ्रंट वाले स्क्रीन पे दिखेगी।
तो भाई पावरफुल गाड़ी यार, कैसे भाग रही है और तो आराम से चलाओ, लग ही नहीं रहा है यार, बहुत थोड़ा अलग ही जैसी लग रही गाड़ी है। देखेंगे तो आप इंजन में भी काफी चेंजेस किए हुए हैं, कंफर्ट गाड़ी लग रहा है मुझे, बस ऐसा लगा ना मैंने पहले पहली ब्रिजा भी चलाई वो भी ऐसी कंफर्टेबल, लेकिन ये कुछ स्मूथ चल रही है, ज्यादा कंफर्ट लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा। थोड़ी पेपर वर्क चल रहे हैं, गाड़ी हमारी फाइनलाइज्ड हो गई है, व्हाइट कलर का स्विफ्ट का, और हम थोड़ा बिजी मतलब बोर सा हो रहे थे बैठे ही थे, तो हमने भैया ने कहा, रोहित भाई का आइडिया था, मैंने गाड़ी चलाई यार एक बार आप ब्रिजा का टेस्ट ड्राइव लेके देखो, भाई मेरा मन आ रहा है यार इस गाड़ी में, कसम से मेरा मन आ रहा है इस गाड़ी में। तो दादी बताएंगे दीपक भाई कितने की पड़ेगी टॉप, अगर टॉप मॉडल आप इसका देखने को चाहेंगे तो अप्रोक्स 15 लाख के, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे तो आपकी जो है बजट ऊपर जाएगा 15 लाख से, वरना 15 लाख के अंदर फुल बजटेड गाड़ी आपको मिल जाती है ऑन रोड। हेलो भाई, छोटा भाई हमारा हिमांशु और पापा भी आ गए हैं, क्योंकि ऐसा था ना गाड़ी वापस ले जाएंगे पापा, तो ये दोनों आए हैं और दा के साथ हैं, तो दा ने फाइनली गाड़ी ले ली है। कहीं पे भी जाएंगे तो लोग देखेंगे ना, देखें मतलब ठीक है। तो यहाँ पे अभी पापा लोग आए हैं, क्योंकि ऐसा मेरी गाड़ी वापस जाएगी वहाँ पे घर एक्चुअली, तो मैं दादी गाड़ी को लेके जाएंगे, दादी साथ ही हूँ मैं, तो मिलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। चलते हुए यहाँ पे फाइनलाइज हो गया, गाड़ी तो हमारी रेडी हो गई है, बस सफाई वफाई और पॉलिश वॉलिश करा के हमें बाहर मिलेगी, और भैया पेपर वर्क बना रहे हैं, हमारा जो भी जितना भी अमाउंट है क्या है सब फाइल होगा, अब इसके बाद कैश हम देंगे ना फिर। तो भैया कितना टाइम लग जाएगा हमें और अभी? अभी एक घंटा और करीब करीब लग जाएगा, एक घंटा और लग जाएगा। तो गाइस हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, वेट का सफर का फल मीठा होता है और मीठा हमें खाना है जल्दी, है दादा? काजू पिस्ता वाली। अभी हम जस्ट आए नीचे, हमें पता चला हमारी गाड़ी आ, तो ये है गाड़ी। ए चेहरे पे देखो रे, चेहरे पे तो वॉक अराउंड दिखाता हूं, तो ये है गाड़ी। ओह माय गॉड यार, गाड़ी तो गजब लग रही है भाई, मेरी रॉयल गाड़ी मां। गाइस ये है गाड़ी हमारी इंदर भाई की, सिंगर इंदर दा की। कुछ बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखो मैं वैसे बता रहा हूँ, आप कवर कर रहे हो ना कि दा बहुत जल्दी अपनी जैगवार निकालेंगे, तो सब वॉश होगी दादा ये। जीरो करके देंगे क्या? सब पूरी चबा चक करके देंगे, काम है इसमें भी है। बहुत खुशी हो रही है अंदर से गाड़ी देख के, जो सारा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो अभी भैया को यहाँ पे हम जहाँ होटल में आए खाना खाने, तो तब से कह रहे थे भैया आपको देखा है देखा है, फिर दादा ने बोला हाँ सही देखा है, जो देखा वही हूँ मैं, पहचाना नहीं पहचानी, मैंने बताया सिंगर है, अरे इंदर आर्या करके भयंकर पीछे आ गए, हाँ वही चीज ना, फिर उनको आइडिया नहीं आ रहा था, जैसे ही बताया सिंगर तो उन्होंने सीधे सही करेक्ट नाम लिया। भैया आपका नाम? ललित। अभी बज गए आपके 5:30 और हम आए हैं 1 बजे के, पेपर वर्क मान सकता हूँ 4 घंटे लग गए हमें, गाड़ी धुल गई है, गाड़ी का पेमेंट हो गई है, पेपर वर्क हो गए हैं, सब लोग बैठे हैं, तो दिन से शाम हो चुकी है, आलस आ गया है भैया, और खुशी जाहिर हो रही है, अब जाने वाले हैं। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो है फाइनली जो हमने गाड़ी ले लिया है वॉश के लिए गई है, अब जैसे ही आती है तो आपको दिखाते हैं, अभी वो बड़ा सा वो चाबी देते हैं ना वो भी दिखाएंगे, फोटो खींचेंगे, बने रहिएगा अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी, मजा आने वाला है, बने रहिएगा व्लॉग्स में। बज गए आपके हैकर है, तो दादा बहुत बहुत बधाई इंदर जी को हमारे तरफ से नई गाड़ी की, और दा की चेहरे की स्माइल, लेकिन दा परेशान हो गए, बहुत देर लग गई ना, बहुत देर हो गई है, और आज ऊपर से भाभी भी वहाँ परेशान हो रही है, बुला रही है भैया कब तक आओगे, तो अब हो गया फाइनलाइज, जब हमें प्रक्रिया है हमें गाड़ी देंगे, फोटो वोटो क्लिक करेंगे और चलेंगे सीधे, क्यों श्री गणेश करते हैं फिर दादा। सुबह आ गए थे हम, धूप निकलते ही रात के अंधेरे में जाते हैं, धूप अभी भी ऐसा नींद आ रही थी, लेकिन अब जैसी गाड़ी बाहर आई याली नहीं, वो सारे कागज रख दिए थे इसके अंदर है, और गाड़ी का कागज नहीं है इसके अंदर रखे, वो सारे कागज तो उनके पास ही है, अभी हमें नहीं दिए हैं, उन्हीं के पास है। तो दादा ये है हमारी गाड़ी, देख सकते हैं आप सब लोग, स्विफ्ट VXI सेकंड टॉप, मैं आपको एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का, गिफ्ट है हमारी भाभी के लिए दा की तरफ से, तो दादा आज का गिफ्ट है भाभी के लिए, चमचमाती हुई गाड़ी, भाभी खुश हो जाएगी तन्नू ज्यादा, गाड़ी डिलीवरी की एक्सीलेंट बहुत अच्छा था, इधर देखो अभी मैं वीडियो बना फोटो देता हूँ। सो दगड़ियों यहाँ पे गाड़ी लेते हुए फोटो खींच रहे थे सब लोग, तो यहाँ पे हमें चाबी पकड़ा दी गई हमारे भैया ने, चलो धन्यवाद धन्यवाद, मिलते हैं फिर, हाँ बहुत 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 भैया आपका नाम? सागर आर्य। ओके चलो ठीक है, चलो शुभारम्भ करो, चाबी कहाँ है? आप शुभारम्भ करो, गाड़ी न्यू तो मीठा गंदा
धन्यवाद, इनको भी करा दो। गाड़ी ला रहे हैं हमारे अंदर का, शुभारंभ करेंगे अब। रोहित भाई यार मतलब मान गया भाई ने अपना अपना काम भी, जो मालिक साहब कह रहे घर तक छोड़ के आओगे क्या गाड़ी, तो फाइनली गाड़ी निकालते हुए मेरी रॉयल गाड़ी माँ, रॉयल गाड़ी माँ, मेरी रॉयल गाड़ी माँ। गाड़ी बंद तो नहीं हो गई? आओ आओ आओ, नहीं हुई, आओ 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 आओ। बहुत बढ़िया, फाइनली यार दाने ले लिए अपनी रॉयल गाड़ी। यो दा आप बताओ, आपको तो लग रहा होगा कौन सा है, सेकंड गियर है। कितना मजा आ रहा है यार दादा, नए नए शीट। ओ भाई ओ भाई, मतलब मजा आ गया। कैसा लग रहा है रोहित? अरे बहुत खुशी हो रही है, अंदर से खुशी बाहर को ऐसे। थैंक यू यार रोहित भाई, आपने ना बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द हमारी रोहित भाई की भी गाड़ी आने वाली है, सही चल रही है ना, और वाला व्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी। और रोहित भाई, भाई मैं यही बात, आशु भाई ने मेरा बहुत 99% हाथ साफ करा है, और मुझे स्टीयरिंग का पूरा पता था, गियर का सब पता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था साइड से और पीछे शीशे का। तीसरे गियर में है मेरी गाड़ी यार। अभी हम चल रहे हैं घर को, क्योंकि बहुत लेट हो गई, भाभी भी कह रही होगी यार कहाँ है, तो अभी हम आपको घर जाके दिखाएंगे। गाइस हम आ गए बजाज इंटल बजाज शोरूम में, और ये हैं वो बंदे जो हमें मतलब पूरे 8 से 9 घंटे हमारे साथ रहे। हाँ यार दादा, यार दादा इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो गाइस यार जिसको भी बाइक चाहिए और गाड़ी चाहिए, रोहित भाई से कॉन्टेक्ट करें, हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल देना, और इनका जो बजाज का शोरूम है यहाँ पे, भाई एड्रेस बता दो, रामपुर रोड में है सुशीला तिवारी के पास, जिसको भी बाइक चाहिए बजाज पे, वहाँ पे सेल्स मैनेजर हमारे रोहित भाई, बहुत अच्छे इंसान है, और बहुत खुशी हो रही है, बधाइयां दादा को, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। गाड़ी देखो यार भाई, गाड़ी है यार, बहुत जल्दी क्योंकि मुझे घर में जाना और भी काम है। सो फाइनली गाड़ी पार्क हो गई है घर के अंदर। ये किसकी गाड़ी है? ओए क्या कर रहा है, पेपर कैसा गया तेरा? ठीक गया? तो भाभी आपको बहुत बहुत बधाई है, गाड़ी की चाबी आपकी, और आज के दिन आपको भैया ने गिफ्ट किया है, वो भी आज करवा चौथ पे। कैसा लग रहा आपको? आप चाबी निकाल दी, कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, जल्दी बता कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, गाड़ी कैसी लग रही? आओ ना भाभी देखो, ऐसा। तो भाभी यहाँ पे गाड़ी का पिठिया कर रही है, स्वास्तिक बना रही, स्वास्तिक का साइन। तो आज करवा चौथ पे सरप्राइज है और गिफ्ट है भाभी के लिए। भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। गाड़ी कैसी लग रही? तो दाने दी है भाभी को गिफ्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। 5-6 घंटे बाद, 7 घंटे 8 घंटे बाद निकली। हाँ यहाँ पे ओम बनाना, कोई नहीं बाद में आ जाएगा उसका। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। आज गाड़ी आ गई फाइनली, और आगे सीट पे बैठी मालकिन, जिसकी गाड़ी है, जिसको इसको गिफ्ट किया मैंने आज। मतलब आज बहुत अच्छा दिन है, और इसी के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ आज की डेट में। तो आज पुष्पा तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सी गाड़ी का नाम लिया था हमने? अल्टो के लिए गए थे, लेकिन अल्टो ना मजा नहीं आया, अल्टो में थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलो यार वो भी उसी बजट में पड़ रही थी जब हम ले रहे थे। हाँ बजट वो भी ना मॉडल था जो एक तो बहुत वही बजट में पड़ थी, लेकिन थोड़ी सी इससे थोड़ा सा कम था। तो फिर हमने स्विफ्ट पसंद करी, मैंने कहा चलो अच्छी गाड़ी है, और हमने प्रोग्राम भी करने होते हैं, और चलो अपनी गाड़ी से ड्राइव करेंगे, आप कभी भी घर जाएंगे, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, और लगभग हमारा जो सपना है पूरा होते जा रहा है ना, थोड़ा सा अब हमारा एक सपना रह गया, अब छत हो जाए वो भी होगा दादा, एक बार बताओ सारी चीजें होते जा रही, तो ये चीज तो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती तुम लोगों को, और इसी का आशीर्वाद अपन प्यार बनाए रखे, और बहुत बढ़िया लग रहा आज मेरे घर में गाड़ी ठहर रहा है, और आप लोगों जब सब आप लोगों के आशीर्वाद लो, और माँ सरस्वती आशीर्वाद लो गाड़ी से, और हमारे इष्ट देवता आशीर्वाद लो, और मेरे माँ बाप नु आशीर्वाद लो, आज मेरे घर में 4 पहिया वाहन आ रहे हैं, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रहे, किसी का अपने सपोर्ट देते रहे। पुष्पा तू क्या कौन चल सर दगड़ियन का बता, पुष्पा आप बता कौशल लागन होती की यार बता, बढ़िया लागन होने, और ड्राइविंग सीट में बैठे से, और तेल पुष्पा ने इसमें भी बाहर से लिखा भी है, इसमें टीका करा है, और गाइस हम कल इसको गाड़ी को लेके जाएंगे मंदिर लेके जाएंगे, और देखते हैं अगर पुष्पा आएगी तो, और बहुत बढ़िया लागो तुम इसी का प्यार आशीर्वाद देते रहा दगड़ियों, और बादल फाइनली यार गाड़ी हाल बहुत बढ़िया लगो, और इसी का आप लोग प्यार दिया आशीर्वाद दिया, और बहुत जल्दी हमारा न्यू सॉन्ग होने वाले हैं, और नया सॉन्ग होने वाले हैं, इसी का प्यार देते रहे, और हमने इसी का प्यार दिया, और हमारे ब्लॉग के लिए प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइस, और बने रहे आशु ब्लॉग्स में एंड इंदर आर्या ब्लॉग्स में, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।
So, भाई लोगों में अभी जस्ट गाड़ी इंदर दा ने बाइक दे दी थी तो मैं घर को आया। Oh my God, beautiful couples. संत फेरों के सातों जन्म प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हमारे संजू बाबा। चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, सूरज आ जाए, सूरज वगैरह चांद आ जाएगा, चांद का मुखड़ी दिखा के रथ तोड़ेंगे हमारे संजू भाई। भाभी भाभी कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हो। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो दगड़ो चांद आ चुका है और भाभी लोग आ रहे हैं। दुल्हनिया भूल न जाना। तो के पति कहाँ है? सारा दारा घूमे रे सतरंगी तेरो घागरा, नींद हो गई रे तुझे चांद नजर आया। ये कौन है? अरे वाह, इधर संजय, इधर नथुली तेरी निनाक के बिन। चलो लिए छोटा छोटा गिफ्ट सदा स्वागत रहो, फलो फूलो, दूधो नहाओ पूतो फलो।